नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ये जिन किसानों के मोबाइल नंबर पहले से जो डले हुए थे वो किसी कारण से बंद हो गए या गुम गई सिम, तो उसकी जगह आप अपना जो भी मोबाइल नंबर नया मोबाइल नंबर है वो कैसे आप अपडेट करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा जो किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की 3 किस्त यानी कि 6000 रुपये साल के दिए जा रहे हैं, और उसमें यदि दोस्तों आपको यदि आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का आपने आवेदन किया था उस समय जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, आपको इसकी अपडेट नहीं आ रही है, आपको इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो उस स्थिति में आप जो दोस्तों अपना जो पीएम किसान सम्मान निधि यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपने आवेदन में जो मोबाइल नंबर है वो नया मोबाइल नंबर कैसे आप डालोगे यानी कि अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करोगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो भी मोबाइल नंबर चेंज करना है वो कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको फार्मर कॉर्नर में एक नया ऑप्शन शो होगा, यहाँ पर नाउ योर स्टेटस और यहाँ पर आपको जो दोस्तों अपडेट मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपल से आपको अपडेट मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा अपडेट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च बाय का ऑप्शन दिया गया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर, यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, और आपके पास पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आधार नंबर से भी आप जो है दोस्तों इस पर सर्च कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आप जिसमें आपको जो भी उचित लगे वो वाले ऑप्शन आपको आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करना है तो नाउ यूर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही, तो आपको नई टैब खोलना है और सिंपल से सारा mp.gov.in ये वाले पोर्टल यानी कि स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू सारा राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। इस वाले पोर्टल से दोस्तों आपको जो 2000 की जो 6000 रुपये की किस्त है यानी कि 2000 की 3 किस्त है, इस पर भी आपको माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है वही वाले पोर्टल पर आपको आना है। साथ ही दोस्तों आपका किसान सम्मान निधि का जो है सीएम किसान सम्मान निधि और पीएम किसान सम्मान निधि की जो जानकारी वो लिंक है, इसलिए आपको ये वाले पोर्टल पर आकर स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप बैंक अकाउंट नंबर, पीएम किसान आईडी, आधार नंबर जो भी है वो यहाँ पर देकर आपको देना है, और सिंपल से कैप्चा कोड देकर सर्च पर क्लिक करना। जैसे सर्च पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका हितग्राही की जो भी डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड खुलकर सामने आएगा। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का यानी कि जो 6000 रुपये की राशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की जाती है उसका डैशबोर्ड खुलकर आएगा। तो यहाँ पर पीएम किसान आईडी यहाँ पर शो होगी, तो ये पीएम किसान आईडी दोस्तों आप बिना ओटीपी के यहाँ से आप नोट कर ले, या फिर ये वाले पोर्टल से यहाँ से आप नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर जाकर भी आप जो है पीएम किसान की आईडी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। दोनों स्थिति में आप अपनी आईडी सर्च कर ले, और यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर से करना चाहते हैं सर्च, तो ये वाला जो पीएम किसान आईडी ये वाली आईडी यहाँ पर आपको देना है, कैप्चा कोड देकर सर्च पर क्लिक करना है, और यदि आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो आधार नंबर देकर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे आप हम आपको दोनों स्थिति में बताएंगे, तो सबसे पहले हम आधार नंबर वाले ऑप्शन पर को सिलेक्ट करके इसको सर्च करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप अपना आधार नंबर देकर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन खुलकर आएगा, तो सिंपल से यहाँ पर आपको गेट ओटीपी आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी आएगा, तो जैसे आप गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करोगे जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी,
वो ओटीपी यहाँ पर आपको देना और सिंपल से वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप जो भी ओटीपी आपके पास आए वो ओटीपी देकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से फॉर्मल की जो आपकी आधार ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी, यहाँ पर फॉर्मल डिटेल खुलकर आएगी, जिसमें सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, फार्मर का नाम रहेगा, यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर डला हुआ था वो मोबाइल नंबर रहेगा, आधार नंबर रहेगा, जेंडर रहेगा, आपकी जन्म तिथि रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है इंटर न्यू मोबाइल नंबर, तो जो भी आप मोबाइल नंबर नया ऐड करना चाहते हैं वो वाला मोबाइल यहाँ पर आप नंबर देना है और सिंपल से गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जो आप नया मोबाइल नंबर दोगे उस पर एक ओटीपी आएगी, तो यहाँ पर इंटर ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको जो भी ओटीपी आए, आप जो नया नंबर अपडेट करना चाहते हो उस पर जो भी ओटीपी आए वो ओटीपी यहाँ पर आपको देना और सिंपल से वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा, क्लिक फॉर अपडेट मोबाइल नंबर, तो उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो आप नया मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो वो नंबर अपडेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर से, हम कैसे इसको नंबर मोबाइल नंबर जोड़ेंगे, तो उसके लिए आपको पुनः होम पेज पर आना है, ये वाले डैशबोर्ड पर पुनः आना, उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने स्मार्ट एप्लीकेशन सारा पोर्टल से या फिर नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर से निकाला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देना है, कैप्चा कोड देना और सिंपल से सर्च पर क्लिक करना। जैसे आप सर्च पर क्लिक करोगे तो दोस्तों पुनः उसी तरीके से आपको गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, तो सिंपल से गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपके आधार कार्ड की जो भी ओटीपी वो ओटीपी आपको वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर आपको देना है, यानी कि आपके आधार कार्ड का जो नंबर रजिस्टर्ड है वही नंबर आपको देना है। आपके आधार कार्ड पर पहले दूसरा नंबर था और आपने नया नंबर अपडेट करवा लिया और वही नंबर आपको पीएम किसान सम्मान निधि में देना है, तो वो वाला मोबाइल नंबर आप पुनः दे और सिंपल से उसको ओटीपी वेरीफाई कर उसको अपडेट कर ले, तो आपका जो मोबाइल नंबर है दोस्तों नया मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो आपका पुराना मोबाइल नंबर था कहीं गुम गया, खो गया या बंद हो गया है और आपने आपके आधार कार्ड पर नया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लिया, आपके पास नया मोबाइल नंबर है और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अपना नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप अपना नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, एवं किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।